हेलो फ्रेंड्स, मैं बनाने जा रही हूँ आज मुरार की सब्ज़ी। मैंने लिए 5 गांठ प्याज और 4-5 हरी मिर्ची और थोड़े से लहसुन। इसको मैंने 3 गांठ मैंने मसाले में पीस रही हूँ और 3-4 हरी मिर्ची, धनिया नमक डाल के, थोड़ा नमक ज़्यादा सा लग रहा था मैंने निकाल दिया है। मैं डालूँगी हल्दी पाउडर और हल्दी पाउडर दोबारा डाल दूँगी, 2 बार रिकॉर्डिंग हो गई इसकी। और फिर मैं डालूँगी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा गर्म मसाला। उसको डालने के बाद अपन देखो अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा पानी डाल के नहीं, इसको बारीक में बारीक पेस्ट बना लूँगी मैं, अलग रख दूँगी साइड से। फिर लूँगी मैं मुरार को मैंने लिया है, उसको छील लिया, लम्बी लम्बी आती हैं बहुत, छील लिया मैंने अच्छे से साफ करके, पतले पतले स्लाइस काट लिए। अब मैं डाली कुकर में इसको धो के, मैंने 2 डल्लू पानी डाला है और थोड़ा नमक, और इसको सीटी लगा देंगे। 3-4 सीटी लगाएंगे इसमें, अच्छे से पक जाती है क्योंकि टाइट होती है ये बहुत ज़्यादा। इसको अपन मुरार भी बोलते हैं मेरे, और बहुत से लोग इसको कमल ककड़ी भी बोलती हैं। तो आप देखो ये गर्म, मैंने सरसों का तेल लिया है, उसमें तेज़पत्ता डाला, हींग डाली, जीरा डाला। अच्छे भूनने के बाद मैंने डाले 2 प्याज बचा ली थी पतली पतली, काटे उसको बारीक, और 2 हरी मिर्ची। इसको बारीक काट के भून लूँगी मैं, सुनहरा होने तक भून लूँगी इसको मैं। अब मैं डालूँगी पेस्ट, पिसा हुआ पेस्ट डालेंगे इसमें, अच्छे से मिल जाएगा, भून जाएगा जी। तो पेस्ट को भूनेंगे अपन, उसके बाद फिर उसमें डालेंगे अपन कमल ककड़ी मुरार। आप क्या क्या बोलते हैं आप भी बताइए प्लीज़ मुझे। तो मैं इसको अच्छे से मिला के नहीं भून के मिलाऊंगी मसाले में, क्या जिससे अच्छे मसाला सॉफ्ट अंदर हो जाए उसके और स्वाद आ जाए। और देखो धनिया डाल कर इसको सर्व करेंगे, बहुत ही अच्छी बनती, टेस्टी बनती है और अच्छी भी लगती है। आप भी बनाइए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को प्लीज़।